तो स्वागत है ज्ञापन एकेडमी के इस जबरदस्त क्लास में। यहाँ इस फॉर्मूला के रिश्ते के बारे में जानते हैं, ये कैसा रिश्ता है, आखिरकार इस फॉर्मूला का क्या ट्रिक है। आप बार बार याद करेंगे, बार बार भूल जाएंगे, लेकिन इस कहानी के जरिए आप पूरे दिल में उतार लेंगे इस फॉर्मूला को और जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा गारंटी है बाबू। 7 जन्मों तक नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला के तरफ चलते हैं और ये कैसा रिश्ता है इस रिश्ते को समझते हैं। यहाँ देखिए, हमेशा पाइथागोरस फॉर्मूला हर एक एग्जाम में रहता है और इससे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। पता है ये क्या होता है? यहां देखिएगा, इस रिश्ते को कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस फॉर्मूला है। पाइथागोरस महोदय ने एक फॉर्मूला दिया और ये फॉर्मूला एक त्रिभुज ट्राइंगल के रूप में दिया था। किसके रूप में दिया था? एक ट्राइंगल के, जिस लंबा आदमी ऐसे खड़ा होता है सीधा, तो इसे नाम रख दिया लंब, नीचे वाले को आधार रख दिया और साइड वाले को कर्ण रख दिया। आप बताइए कि तीनों लाइन में सबसे बड़ा लाइन कौन है? कर्ण है। कहानी समझिएगा ध्यान से, तीनों लाइन में सबसे बड़ा लाइन कर्ण है। तो कर्ण को घमंड था कि हमारे इतना बराबर कोई नहीं आ सकता है, यानी कि हम सबसे हमेशा बड़े रहेंगे, हमारा बराबरी दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। और इन दोनों को मजाक लगता था, यानी कि इन दोनों को मजाक समझता था कर्ण, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा था। लेकिन एक और बता रहे क्यों ऐसा, कर्ण के पास कोई भी जाता ना, कर्ण के पास कोई भी इसके सामने आता, अगर इसके सामने लंब आता तो ये अपने पावर को डबल कर लेता, अगर सिर्फ आधार आता तो ये अपने पावर को डबल कर लेता है, ठीक है, यानी पावर को अपना स्क्वायर कर लेता है। लेकिन फिर ही दोनों ने प्लानिंग किया कि हम लोग अलग अलग जाएंगे तो पावर डबल कर ही ले रहा है, एक काम करते हैं, हम इससे लड़ नहीं सकते हैं लेकिन इतना ताकतवर तो बन सकते हैं ना, हम दोनों मिल के जाते हैं। जब ये दोनों मिल के गए लंब प्लस में आधार, तो भी अपने पावर को डबल किया तो यही ताकतवर आ गया, ठीक है, ताकतवर तो यही है। फिर इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम जब भी जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जा रहा है, तो अपने पावर को स्क्वायर में कर ले रहा है, बहुत पावर बढ़ा ले रहा है, ठीक, एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में तो जाएंगे लेकिन एक काम, हम भी अपने पावर को डबल कर लेते हैं, तुम भी अपने पावर को डबल कर लो। अब फिर दोनों एक साथ मिलके तब इसके सामने जाते हैं, ये अपना पावर डबल किया रहेगा ना, तो हमारा पावर है, इसका पावर, दोनों टकरा जाएगा तो हम लोग बराबर आ जाएंगे। तो बोला कि प्लानिंग तो बहुत अच्छा है भाई। तो यही काम किया, लंब भी अपने पावर को डबल किया यानी स्क्वायर किया, आधार भी अपने पावर का स्क्वायर कर लिया यानी पावर बढ़ा लिया, ठीक। और दोनों मिल करके जब साथ में आए तब जाके कर्ण शांत हुआ और दोनों की ताकत आपस में बराबर हो गई। इस तरीका से फॉर्मूला आपको कैसे याद होगा, जब भी पता चलेगा सबसे बड़ा वाला लाइन लंब स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर जैसे ही बोले कि लंब स्क्वायर हुआ था, आधार स्क्वायर हुआ था, दोनों साथ में जुट के गया था तो किसके बराबर हुआ था, कर्ण के बराबर हुआ था। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं, यानी हाइपोटेनस यानी कि इंच का स्क्वायर, यानी कि बड़ा वाला लाइन अपने पावर को अगर स्क्वायर में बदल रहा है, ठीक है, यानी पावर 2 लिख रहा है, तो ये भी अपने पावर को 2 हो जा कर देगा, लेकिन ये छोटा छोटा है ना, तो दोनों छोटा छोटा मिल जाएगा तो इस हिसाब से इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर, कर्ण के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीका से पाइथागोरस फॉर्मूला, ये त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक है, त्रिकोणमिति बहुत आसान है, बच्चों वाली खेल है, इससे 32 से 34 नंबर का बाबू आपके एग्जाम में रहता है, ठीक है, और ये आपका 32 से 34 नंबर डायरेक्ट एग्जाम में समझिए तो कन्फर्म समझ लीजिए, और इस बार 24 वाले एग्जाम में आपको बिहार टॉपर बनना ही है। सबसे आसान त्रिकोणमिति होता है और उसका एक पहला स्टेप आपने, आप इसको याद कर लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये अगर याद रहेगा तो समझिए कि त्रिकोणमिति का आपने 10% काम कर लिया, ठीक है, और आपका रिजल्ट तो शानदार होने वाला ही है। तो इसके वजह में 24 का मिठाई हमको खिलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका एग्जाम में बहुत शानदार रिजल्ट आने वाला है, 100 में 100 मैथ में आएगा, ये तो बाबू कन्फर्म कर लो, आएगा ही आएगा। आपका ये हर एक डाउट जो आपको कुछ नहीं आता है कमेंट में कीजिएगा कि सर हमको जोड़ भी नहीं आता है, घटा भी नहीं, क्योंकि आपके एक एक कमियों को निकाल के फेंक देना है और ज़बरदस्त मैथमेटिशियन बनाना है। मैथमेटिक्स से प्यार तो आपको होके ही रहेगा, ठीक है, इश्क तो होगा पर मैथमेटिक्स से इस बार ये नहीं, रिकॉर्ड टूटेगा, दिल नहीं टूटेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया तो एक बार लाइक के बटन को दबाइए और फिर हम लोग त्रिकोणमिति को एक बहुत ही शानदार तरीके से सीक्वेंस में शुरू करते हैं और फॉर्मूला आपको कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम है ना, टोटल का ट्रिक है हमारे पास जबरदस्त तरीका से, कोई फॉर्मूला लगभग 30-40 फॉर्मूला है ना, कोई नहीं याद करना है, एक शॉर्ट ट्रिक आएगा उसके माध्यम से आपको पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।